नमस्कार दोस्तों, आज सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम दो रंग का ये खूबसूरत सा मोजा बनाएंगे, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और दोनों पैरों में ये एक जैसा ही बनता है। तो चलिए हम मोजा बनाते हैं। मैंने सिलाई में 56 फंदे डाले हैं और 8 लाइन उल्टा उल्टा बुना है। आगे से भी सभी फंदे उल्टे और पीछे से भी सभी फंदे उल्टे, जिससे 4 उल्टे फंदों की यहाँ पे लाइन आ गई है। 4 उल्टे फंदों की लाइन आ गई है। उसके बाद 9th रो में मैंने दूसरा रंग लगाया और 10 लाइन प्लेन बुना, यानी आगे से सभी फंदे सीधे और पीछे से सभी फंदे उल्टे। देखिए, ये 10 लाइन बुना है, 2, 4, 6, 8 और ये 10। 10 लाइन बुनने के बाद 11वें लाइन में, यहाँ ये 11वां लाइन है, 11वें लाइन में यहाँ मैंने 18 फंदे को और इस 20 फंदे को, यानी 38 फंदे को बुना, सीधा बुना। और उसके बाद यहीं से वापस लौट आया, ये हमको 18 फंदे नहीं बुनने हैं। 11वें लाइन में हम यहाँ से बुनना शुरू करते हैं और उसके बाद 12वें लाइन में हम यहीं से वापस आ जाते हैं और लौटते समय ये इधर हमको नहीं आना है, यानी कि इधर के भी 18 फंदे हम छोड़ देंगे। इधर का भी 18 फंदा हमने यहाँ 11th रो में हमने ये इधर का 18 फंदा छोड़ दिया और जो 12th रो है रॉन्ग साइड से इधर बुनना शुरू किया, तो लौटते समय इधर हमने आया, यहाँ सिर्फ 20 फंदे बुने गए और उसके बाद सिर्फ ये 40 लाइन बुनी गई। ये टोटल लाइन जो है वो 50 लाइन है। देखिए, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 48 और ये 2, 50, 50 लाइन बीच वाले फंदे, जो 20 फंदे जो हैं वो 50 लाइन बुने गए हैं। और अब ये 51वां लाइन है और इस लाइन में इन 20 फंदों को हम बुनेंगे। बीस फंदों को बुनने के बाद अब हम यहाँ से ये हमारा जो एज दिखाई दे रहा है, ये देखिए सीधे फंदों का, यहाँ से हम फंदे उठाना शुरू करेंगे। यहाँ देखिए, ये पूरा एक सीधा फंदा जो दिखाई दे रहा है, इसमें से सिलाई डालेंगे, एक फंदा निकालेंगे, 2, 3, बहुत ही आसान है इसको यहाँ से फंदा उठाना। देखिए, ये हमको एक सीधे फंदा दिख रहा है, इसमें ऐसे सिलाई डालेंगे और ऐसे निकाल लेंगे। बीस फंदे ये उठा लिए गए हैं और अब इन 18 फंदों को भी हम इसी में बुन लेंगे। और अब रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे बना लेंगे। अठारह फंदे और उठाए गए 20 फंदे बुने जा चुके हैं और अब इन यहाँ के भी 20 फंदों को हम इसी सिलाई पे उल्टा बुन लेंगे।
और अब हम दूसरी तरफ के भी सारे फंदे उठा लेंगे, एक तीसरी सिलाई लेंगे और जैसे उधर का उठाया वैसे ही इधर से भी 20 फंदे हम उठा लेंगे, क्योंकि इस लाइन में हमें उल्टा बुनना है इसलिए ऐसे सामने की तरफ से सिलाई डालेंगे। आसानी से फंदे उठ जाते हैं, देखिए जितने सीधे फंदे आपको दिखाई देना है यहाँ पे उन सभी में एक एक फंदा आप उठा लेंगे। बीस फंदे उठ गए हैं और अब इन 18 फंदों को भी हम इसी में बुन लेंगे। और अब हम दूसरे रंग का ऊन लगाएंगे और सभी फंदे सीधे बना लेंगे। और अब हम इस दूसरे सिलाई के भी सभी फंदे सीधे बुन लेंगे। इस समय सिलाई में 96 फंदे हैं, 20 फंदे इस तरफ से, 20 फंदे इस तरफ से और 20 फंदे इस तरफ से, यानी 20 20 40 और 60 और 18 18 दूसरी तरफ से, यानी 36। 60 + 36 इजकल टू 96 फंदे यहाँ पे हमारे इस समय सिलाई में हैं। और अब दूसरी रॉन्ग साइड से भी पहले और आखिरी फंदे को हम उल्टा बुनेंगे और बीच के सभी फंदे सीधा बुन लेंगे। और अब हम दूसरे रंग के ऊन से 48 फंदे सीधे बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, 48 फंदे सीधे बना लिए गए हैं, 18 यहाँ के और साइड से उठाए गए 20 फंदे और सामने से 20 फंदों में से 10 फंदा है। अब हम यहाँ पे अंगूठा बनाएंगे तो इसके दो पार्ट कर देंगे, तो ये हमारे 48 फंदे इधर हैं और 48 फंदे इधर हैं। तो अब हम यहीं से वापस मुड़ जाएंगे और फिर वापस सभी फंदों को उल्टा बना लेंगे। और अब दूसरे रंग के ऊन से 4 फंदा सीधा, 1 2 3 4, फिर अगला फंदा उतारेंगे, फिर 3 फंदा सीधा, फिर नेक्स्ट उतारेंगे, फिर 3 फंदा सीधा, नेक्स्ट उतारेंगे, ऐसे ही 3 फंदा सीधा बुनते हुए और चौथा फंदा उतारते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। और अब रॉन्ग साइड से पहला फंदा उल्टा और शेष बुने गए फंदे सीधे और उतारा हुआ फंदा उतार लेंगे। और फिर अब दूसरे रंग के ऊन से 2 फंदा सीधा, तीसरा उतारेंगे, फिर 3 फंदा सीधा, चौथा फंदा उतारेंगे और ये जो उतारा गया फंदा था वो और उसके दोनों साइड वाले फंदे सीधे बुने जाएंगे और 3 फंदों में से बीच का फंदा उतारा जाएगा, फिर अगले 3 फंदे सीधे और चौथा फंदा उतारा जाएगा। इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे।
और रॉन्ग साइड से बुने हुए सभी फंदे उल्टे बुने जाएंगे और उतारा हुआ फंदा उतार दिया जाएगा, उतारा हुआ फंदा उतार दिया जाएगा और बुना हुआ फंदा उल्टा बुना जाएगा। और फिर अपने पहले रंग से चार फंदा सीधा, अगला उतारना है फिर तीन फंदा सीधा और नेक्स्ट उतारेंगे फिर तीन फंदा सीधा, अगला उतारते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। और रॉन्ग साइड से बुने हुए फंदे सीधे और उतारे हुए फंदे उतार लिए जाएंगे। और अब दूसरे रंग के ऊन से सभी फंदे सीधे बना लिए जाएंगे। फंदे उल्टा बना लिए जाएंगे। और फिर पहले रंग के ऊन से सभी फंदे सीधे और रॉन्ग साइड से भी सभी फंदे सीधे बना लिए जाएंगे। अब ये हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। अब दूसरे रंग के ऊन से सभी फंदे सीधे बना लेंगे। डिज़ाइन ख़त्म होने के बाद ये हमारा 13वां लाइन है और अब रॉन्ग साइड से हम चार फंदे घटा देंगे, उल्टा बुनते हुए चार फंदे घटा देंगे, एक दो तीन और चार, चार फंदे घट गए। अब बाकी सभी फंदे उल्टे बनाएंगे और फिर इसी रंग के ऊन से सारे फंदे फिर से सीधा बनेंगे और पीछे से सभी फंदे उल्टे, यानी इस रंग के ऊन से हमने चार लाइन बुनना है। और फिर पहले रंग के ऊन से सभी फंदे सीधे, और अब पीछे से उल्टा बुनते हुए हम 10 फंदा घटा देंगे। और फिर इसको बाएं सिलाई में चढ़ा देंगे और अब ये हमारा ये पार्ट तैयार हो गया है। और अब सेम ऐसे ही हमको दूसरे साइड भी बनाना होगा ये डिज़ाइन कंप्लीट करने के बाद। देखिए डिज़ाइन कंप्लीट हुआ है, 2, 4, 6, 8, 10 और 12 लाइन में ये डिज़ाइन कंप्लीट हुआ है। देखिए फ्रेंड्स ये डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है और अब मैं दूसरे रंग का ऊन लगाऊंगी और चार फंदा घटा लेंगे। और बाकी सभी फंदे सीधे बना लेंगे और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। अब हमको घटाने के बाद इस रंग के ऊन से चार लाइन बुनना है। तो ये पहला लाइन है और चार लाइन हमको
प्लेन बनाना है, यानी आगे से सभी फंदे सीधे और पीछे से यानि रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। चार लाइन बुन के मैं आपको दिखाती हूँ। चार लाइन प्लेन बुनने के बाद अब इस रंग का कोई काम नहीं है तो इसको निकाल देंगे और अपने मेन कलर से फिर हम सारे फंदे सीधे बनाएंगे और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। और अब 10 फंदा घटा देंगे। दस फंदा घटाने के बाद दोनों पार्ट को आपस में जोड़ना है। सीधे वाला फंदा अंदर करेंगे और दोनों पार्ट को ऐसे एक दूसरे के पास लाके जैसे कंधा घटाए जोड़ा जाता है, वैसे हम यहाँ पे हम जोड़ दोनों पार्ट्स को आपस में जोड़ लेंगे। दो फंदा पीछे वाला फंदा आगे वाले पे चढ़ाया, दो फंदा लिया, एक उल्टा फंदा बनाया और उसके बाद पीछे वाले फंदे को आगे वाले पे चढ़ा दिया। इसी तरह करके सभी फंदे उतार देंगे। देखिए फ्रेंड्स, सारे फंदे जोड़ दिए गए हैं और ये जूता लगभग बन के तैयार है। अब हमें यहाँ सिलाई करनी है और यहाँ पे सिलाई करनी है। देखिए फ्रेंड्स, जूता बनके तैयार है। यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप भी इसे बनाइए, इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में अपने रिश्तेदारों में शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।